चिराग घिसते थे, जिंद पैदा होता था कि मेरे आका हुक्म करो जी। तो जो ईवीएम जो मशीन है, इलेक्ट्रिक विक्ट्री मशीन है, ये ब्राह्मण हमेशा छल से जीता है जी। बाली को छल से मारा, एकलव्य का छल से अंगूठा लिया, शंभुग ऋषि को छल से मारा, इन लोगों ने हमेशा छल का सहारा लिया। इनकी औकात नहीं इनके बाप दादों में कि हमारे से आमने सामने का युद्ध लड़ सके। और जब इन्होंने लड़ने की कोशिश की तो 500 महाराज ने 23,000 पेशों की फौज को हराया था। ठीक है, जब जब ये लड़ने की कोशिश करते हैं, मुंह की खाते हैं ये लोग। तो हम लोग तो कह रहे हैं भाई ये गुल्ली डंडा खेलना बंद करो ना यार, आमने सामने आ जाओ किसी दिन, तुम अपनी फौज भी ले आओ, अपने भगवानों को भी ले आओ, और हमारा अकेला अम्बेडकरवाद होगा, अम्बेडकरवादी होंगे, हम देख लेंगे तुम्हारे में ताकत है हमारे में ताकत। क्रांति आने जी हाथी किस किस को लपेटेगा आपके पास? देखिए मैं बताऊँ आपको, हाथी जब पागल हो जाता है तो अच्छे अच्छे लोग जो है ना वो जंगल छोड़ के भाग जाते हैं, जिनको शेर कहते हैं। तो ये तो नकली शेर है, हाथी जो है ना वो पूरे देश में घूम रहा है। और हम लोग वोटों से नहीं हार रहे, हम लोगों को जो हराया जा रहा है वो मशीनों से हराया जा रहा है। ठीक है, नहीं तो उत्तर प्रदेश में 75 से ज्यादा सीटें आती। आपने एक विशेष चीज देखी होगी, आप पत्रकार हो, और जिस दिन दो आदमी बिकना बंद कर देंगे या बिकना शुरू कर देंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। जिस दिन इस देश का पत्रकार और फौजी बिक गया ना, उस दिन देश बर्बाद हो जाएगा। ये जो सोशल मीडिया के पत्रकार है, ये लोग तो ईमानदार है, लेकिन जो लाली लिपस्टिक लगा के बैठते हैं ना रोज की रोज न्यूज रूम में, ठीक है, और जो कार्यकर्ता है भाजपा के, जितने भी दलाल हैं ये नेशनल मीडिया के, है ना, जो हमारे घरों में जो ये टेलीविजन है ना, ये भाजपा का कार्यकर्ता है और उसके अंदर प्रचारक आते हैं। तो ये जो लोग हैं ये तो बिके हुए लोग हैं, ये हमेशा बिके हैं। जब इंदिरा ने इमरजेंसी लगाई थी जब भी बिके थे ये लोग, है ना। आज मोदी जी है ये भी इमरजेंसी की तरफ जा रहा, देश गृह युद्ध की तरफ जा रहा। तो ये लोग अपना फर्ज नहीं निभा रहे जो पत्रकार का होता है, ये लोग तो एक्टिंग करते हैं, सबको पता है। ठीक है, तो इस बार हरियाणा में बहुत ऐतिहासिक बदलाव आएगा, है ना। अभी मैं एक बहुत बड़े परिवार का एक व्यक्ति था, उसने एक बात कही कि भाई तुम लोगों को जब कांग्रेस हटती है तो भाजपा दिखती, भाजपा हटती तो कांग्रेस दिखती, ये दो पार्टियां तो है ही नहीं, बताओ आप लोग। मैं बताता हूँ आपको, है ना, दुरानी जेठानी है, जेठानी राहुल गांधी वरुण गांधी जी, है ना, दोनों अलग अलग पार्टियों में है। आरएसएस को बनाने वाली कांग्रेस है, बीजेपी को बनाने वाली आरएसएस है, ये तो कुणबा है भाई इनका। ठीक है, हम लोग जो है ना वो आगे इनकी आंख मांगली मारने के लिए, वो बाबा साहब अम्बेडकर भी थे, लेकिन मैं तो विशेषकर